तो इंटरनेट पे आपने ये वायरल पोर्टेबल वॉशिंग मशीन तो देखी ही होगी। तो बस क्या हम मंगा लिए, देखते किस तरह का ये वॉशिंग मशीन है, क्या कपड़े को साफ कर पाता है नहीं कर पाता है। नेक्स्ट लेवल की टेस्टिंग करने वाले हैं भाई, इसके लिए मैंने 3,000 रुपया दिया है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं, और आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, 500 लाइक का टारगेट सेट करते हैं, आई होप आप पूरा कर दोगे। और सब्सक्राइब नहीं कर दो भाई कर दो, देख रहे हो आपके लिए क्या क्या चीज लेकर आते हैं। खैर यहाँ पे भाई बॉक्स तो भाई काफी बड़ा सा है, बॉक्स पे कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह मेंशन की गई है जो कि हम आपको बताएंगे। चलो बॉक्स खोलते हैं। ओके तो सबको पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको लाइन बाय लाइन करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिख रहा है एक पाइप, और ये एक पावर एडाप्टर है दोस्तों, इसको पावर देने के लिए। और यहाँ पे भाई साहब दो ग्रिल मिल जाता है बास्केट असेंबल करने के लिए। और ये रहा हमारा वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे है यूजर मैनुअल। और इसकी टोपी हटाते हैं, ये जो आपको दिख रहा ना इसमें बास्केट असेंबल होगा, तो अभी हम कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट पोर्टेबल वॉशिंग मशीन, काफी छोटा सा दिख रहा है, इसे आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, बैग में आराम से फिट आ जाएगा ये चीज। और वेट भाई कंपनी ने क्लेम करा है कि 1 kg का है, लेकिन उससे मेरे को कम लग रहा है। चलो वेट देखते हैं इसका। ओके तो यहाँ पे भाई 800 ग्राम से प्लस है इसका वेट है, नोट बैड गाइस, ज्यादा भारी नहीं है। और बिल्ड क्वालिटी मेरे को सॉलिड लग रही है, काफी अच्छे मटेरियल का यूज किया गया है दोस्तों। और यहाँ पे आपको एक हैंडल मिल जाता है, और हैंडल आप पकड़ो ऐसा, और यहाँ पे आप जोर से प्रेस करो ना तो ये अनफोल्ड हो जाएगा, और ये बन गया बाल्टी दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक पावर पॉइंट मिल जाता है जहाँ से आपको इसको पावर देना है। एंड यहाँ पे आपको एक पाइप होल्डर मिल जाता है, तो यहाँ से आप पाइप लगा सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहीं से आप वाटर जो है उसे आप बाहर निकाल सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको ऑन ऑफ वाला बटन मिलता है जो कि फुल्ली टच कंट्रोल है, ये टैक्टाइल बटन नहीं है, आपको बस प्रेस करना है और ये काम करेगा। नीचे के साइड में भाई यहाँ पे मेंशन किया गया है ये जो पावर कंज्यूम करता है 12 वाट, तो ज्यादा बिजली नहीं खाएगा भाई। इसको फोल्डिंग बनाने के लिए ना इसका बहुत बड़ा योगदान है, यहाँ पे एक सॉफ्ट मटेरियल यूज किया गया है जिस वजह से ये फोल्ड अनफोल्ड हो पाता है। एंड यहाँ पे कंपनी ने क्लेम भी करा है यहाँ पे आप ऐसी कोई चीज इसमें वॉश कर रहे हो जिसमें नोखिला कोई चीज हो तो वो चीज जो है ना इसको डैमेज कर सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों इसमें जो बास्केट दिया हुआ है इसको असेंबल करना ना बहुत सिरदर्दी है भाई, नीचे वाले पोजीशन में जो ग्रिल दिया हुआ है इसको फिट करना है, दोनों साइड कर लेना, फिर ऊपर के साथ आपको इसका कैप डालना है, एंड ये जो है ना असेंबल हो जाएगा। खैर यहाँ पे दोस्तों अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की, कि ये कपड़े को साफ करता है या फिर नहीं करता है, या फिर ऐसे ही तुक्के में लॉन्च कर दिया आदमी का पैसा लूटने के लिए। तो भाई साहब मैं अपना नया शर्ट खराब करने जा रहा हूँ, मेरे पास व्हाइट शर्ट बस एक ही है, और इसको हम एकदम भयंकर वाला गंदा करने वाले हैं। पहले तो भाई डेस्क जो है हमारा काफी दिनों से गंदा था, तो इसको पूरा साफ कर लेते हैं। ओके चलो भाई साहब, तो अभी देखो अभी से इसमें भाई डस्ट आ चुके हैं, पूरा जो गंदगी है शर्ट पे आ गया है। अब यहाँ पे हम इसमें टमाटो सॉस डालेंगे, लाल लाल कर दिए है भाई, ऊपर से फिर हम धूल मट्टी डालते हैं और फिर अच्छा से मिलाते हैं। हमारा शर्ट कुछ ऐसा तैयार हो गया है भाई, मेरे को देखा नहीं जा रहा भाई, ये साफ नहीं हुआ ना तो भाई मेरा दिल टूट जाएगा। देखो आपके लिए इतना रिक्स लिया, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, कर दो भाई। तो दोस्तों पानी हम भर के लेके आ गए हैं इसमें, भाई साहब इसमें पानी डाल दें पहले हम, अब क्या डाला जाए इसमें, अरे सर्फ नहीं डालेंगे जी साहब, कैसे होगा फिर। ये रहा हमारे पास सर्फ एक्सल, अब इसमें डालने वाले हैं और देखेंगे ये साफ कर पाता है नहीं कर पाता है। चलो भाई तो ये चला गया, और एक चीज़ और, पावर बटन को आप 2 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखोगे ना तो ही ये जो है ना चालू होता है, और फिर आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे ना तो ये बंद हो जाता है। ओके गाइस तो अब देखो, ओ क्या हो गया यार, घुमा ही नहीं रहा इसको भाई, गया मेरा शर्ट भाई, ये वॉशिंग मशीन तो घूम ही नहीं रहा, अरे तेरे ये तो फेल हो गया भाई, मतलब इतना हाई क्वालिटी मोटर नहीं दिया गया इसमें सिंगल शर्ट। देखो अब घूम रहा, घूम भाई, इसकी सांसें अटक रही है दोस्तों, क्या किया जाए, निकालते इसको, दूसरा कपड़ा डालते हैं सॉफ्ट वाला थोड़ा, ले बहुत चिल्ला रहा था ना, ले घूम, नहीं घूम रहा, देख रहे ना दोस्तों एकदम वॉशिंग मशीन एकदम पगला है, कपड़ा वा निकालने के बाद घूमता है, खेलने वास्ते लग रहा बेच रहा है ये लोग। अब देखो मेरे पास एक सॉफ्ट सा टी शर्ट है, काफी गंदा हो रखा है, तो धो के देखते हैं, मेरा टमाटो सॉस पूरा बर्बाद हो गया भाई। चलो तो डालता हूँ मैं, शुरू करता हूँ। ओके अब इसको चलाएगा ना, ओके ओ भाई ये तो हो रहा भाई,
तो ये इसकी टोपी है, ढक्कन ढक सकते हो इसको आप। वैसे दोस्तों ये कंटिन्यू 5 मिनट तक ही चलता है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। तो भाई पूरे 5 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं हमारा टी शर्ट कितना साफ हुआ है। तो भाई टी शर्ट हमारा साफ हो चुका है, जो हमने टमाटो सॉस लगाया था वो क्लियरली भाई गायब हो गया है। अब हम इसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं वो। हाँ तो गाइस ये देखो भाई ड्राई हो रहा है हमारा कपड़ा, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, देखते हैं हमारा कपड़ा कितना सूखा है। अरे भाई बंद हो जा यार, नहीं सूखा है कपड़ा, भींगा हुआ है। तो भाई साहब ये जो चीज़ है ना अच्छी है, लेकिन आप इसमें छोटे छोटे कपड़े धो सकते हो भाई, लेकिन आप हार्ड कपड़ा डालोगे ना इसका मोटर घूमबे नहीं करता है। ट्रैवलिंग का सोच के इसको बनाया गया है और पावर बैंक से नहीं चलता है, तो फिर क्या ट्रैवल में यूज़ करना भाई। खैर जो भी हो, अगर आपको छोटी मोटी चीज़ें वॉश करनी है तो फिर आप इसे ले सकते हो। और आप सोच रहे हो कि आप अपना शर्ट वगैरह धो लो 2-3 डाल के एक ही बार में, और जींस वगैरह भी धो लो, फिर उस सिनेरियो में ये फिर कोई काम का नहीं है भाई। बाकी आप कमेंट करके बताते जाना कि कैसा लगा आपको ये मिनी वॉशिंग मशीन। बाकी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ऐसे ही हम प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चल भाई बंद हो जा, चलो बाय।